हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। फंक्शन रिलेशन ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन गिवन है, ए गिवन है 1, 2, 3 एंड बी गिवन है 4, 5, 6। देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिलेशन ए टू बी। तो ए से बी में कौन सा रिलेशन है ये अपने को करके दिखाना है। तो सबसे पहले ए है 1, 2, 3 एंड बी है 4, 5, 6। तो इससे आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है ए का, दूसरा एलिमेंट होता है बी का, यानी 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो ये इसका रिलेशन आ गए। अब ये रिलेशन इनमें है तो ये रिलेशन है ए टू बी, अगर नहीं है तो इसका आंसर नो होगा। तो देखो, फर्स्ट में 1, 4 इसमें आ रहा है, यस, एंड 3, 5 भी इसमें आ रहा है, देखिए ये 3, 5 आ रहा है, एंड 3, 6 भी इसमें आ रहा है। तो ये तीन एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसलिए ए क्रॉस बी में रिलेशन होगा। तो सिमिलरली आगे देखिए, 1, 6 ए क्रॉस बी में है, 2, 6 भी ए क्रॉस बी में है, 3, 6 भी ए क्रॉस बी में है, तो ये भी एक रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, 5, 1 इसमें नहीं है, देखो 5, 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा। और उससे आगे देखिए, 2, 4 तो है बट 4, 2 इसके अंदर नहीं है रिलेशन में, तो इसलिए ये भी रिलेशन नहीं होगा। और ए क्रॉस बी तो होगा ही, इसलिए ये रिलेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओनली रिलेशन निकालना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, आपको रिलेशन बताना है ए का बी के साथ कैसे रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर एन लीजिए, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू वाली वैल्यू एक्स होती है, बाद वाली वैल्यू वाई होती है, वाई में चेंजिंग हो रहा है। तो वाई क्या आ रहा है, देखो 3, 5, 7, 9 आ रहा है। तो ये एक ए पी बन रही है जिसका nth टर्म अपने निकालते हैं। तो क्या होता है, ए यानी ए होता है 3 n-1 इंटू डी कितना आ रहा है 2। तो इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 2n+1। तो ये वाई था और n की जगह अपने x रखते जाएंगे 1, 2, 3, तो ये रिलेशन बन जाएगा y=2x+1। यानी x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2, 1 + 2+1 यानी 3। सिमिलरली 2 रखोगे तो 2, 2 + 4+1 यानी 5। तो ये रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रिलेशन है आप में चेंजिंग, इसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं 6, 1, 4, 2, 2, 3। देखिए 1, 2, 3 तो आ रहा है, y चेंज नहीं हो रहा, मतलब y में कंटिन्यू चेंज हो रहा है 1 से, और x में देखो 6, 4, 2 ये ए पी बन रही है। तो इसका n टर्म निकाल लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2। तो देखो अब x में चेंजिंग आ रही है, तो ये x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y, तो x = आ जाएगा 8-2y। सिमिलरली ये भी आपको ऐसे निकालना है। आगे देखिए, ए रिलेशन ए टू बी डिफाइंड सच ए वे एक्स आर वाई, एक्स इज ए प्राइम रिलेटेड टू वाई। मतलब एक्स अगर कोई लेते हैं तो वाई अपने को प्राइम रिलेटेड लेना चाहिए। इट मीन प्राइम रिलेटेड का मीन है भी उन दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 आए। तो देखो, एक्स अगर अपने 2 लें, एक्स इसमें से लेना है, वाई इसमें से लेंगे, तो एक्स अगर 2 लेंगे तो वाई में अपने 3 ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का रिलेशन प्राइम है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। 2 इधर से 2 लें, इधर से 6 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इधर से 2 और इधर से 7 ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आएगा। इधर से 2 इधर से 10 नहीं ले सकते बिकॉज दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, यानी कॉमन फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको 2, 3 और 2, 7 होंगे। ऐसे ही अगर अपने 3 लेंगे तो 7 और 10 होंगे, 4 लेंगे तो 3 और 7 होंगे, और 5 लोगे तो 3 और 6 होंगे। तो ये इसके रिलेशन आ जाएगा। डोमेन शुरू वाले एलिमेंट होते हैं एक्स वाले, और रेंज वाई वाले एलिमेंट होते हैं, तो ये इसके डोमेन और रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई निकालने हैं और फिर आर इनवर्स भी निकालना है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और जेड इसका सेट है। तो सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू आप जीरो रखिए तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस फाइव, यानी जीरो का रिलेशन है फाइव से और जीरो का रिलेशन माइनस फाइव से भी है। अब आप रखिए थ्री तो वाई का रिलेशन आ जाएगा फोर, यानी प्लस थ्री का प्लस फोर से रिलेशन है, माइनस थ्री का भी प्लस फोर से रिलेशन है, तो ये दो रिलेशन आ जाएंगे ठीक है। फिर प्लस माइनस थ्री का भी प्लस फोर से है और माइनस थ्री का भी माइनस फोर से है। अगर आप प्लस माइनस फोर रखते हैं तो इनके ये चार रिलेशन और आ जाएंगे, फिर प्लस माइनस फाइव रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये ओनली पांच ही रिलेशन होंगे, तो ये आप निकाल सकते हो। और आर इन्वर्स का मतलब इनको उल्टा करके लिखना है, जैसे फाइव जीरो कॉमा फाइव है तो फाइव कॉमा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा इसको डिफाइन कर रहा है, यानी एक्स का मोड इजिकल टू है वाई। तो एक्स का मोड आपको निकालने का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी एक्स प्लस आयटा वाई। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो उसका मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस आयटा के साथ वाई का स्क्वेयर। तो वन प्लस आयटा है, वन प्लस आयटा का मोड निकालेंगे तो आएगा वन का स्क्वेयर प्लस आयटा के साथ वन का स्क्वेयर, यानी रूट टू, जो कि थ्री के इक्वल नहीं है एंड ये रिलेशन भी फिर नहीं आएगा। थ्री का मोड थ्री होता है, माइनस थ्री नहीं होता, ये भी रिलेशन नहीं है। टू प्लस थ्री आयटा का मोड निकालेंगे तो टू प्लस थ्री आयटा का मोड क्या आएगा, टू का स्क्वेयर प्लस थ्री का स्क्वेयर, यानी रूट थर्टीन, बट दे रखा है थर्टीन तो ये भी नहीं होगा। इसका निकालेंगे तो रूट टू आएगा, ये भी रिलेशन है नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, ए का बी के साथ रिलेशन बनाना है, ए एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, एक्स इज लेस देन फ्रॉम वाई। तो देखो वन लेंगे तो वन का रिलेशन किसके साथ आएगा, वन के साथ तो आएगा नहीं, फोर और फाइव के साथ आएगा, क्योंकि वन फोर से छोटा है और फाइव से छोटा है। टू का लेंगे तो टू भी फोर और फाइव से छोटा है, थ्री लेंगे तो थ्री भी फोर और फाइव से छोटा है, फोर लेंगे तो ओनली फाइव से छोटा है, और फाइव का रिलेशन तो किसी से होगा नहीं क्योंकि फाइव के इक्वल ही आ रहा है, तो ये रिलेशन बन जाएंगे ठीक है। ये इतने रिलेशन हो जाएंगे, ये डोमेन शुरू वाले होते हैं, रेंज लास्ट वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें एक्स इजिकल टू टू वाई दे रखा है, एक्स इसमें से लेना है वाई इसमें से लेना है। तो आप पहले वाई की वैल्यू निकाल ली एक्स बाई टू, तो एक्स इसमें से अगर टू रखेंगे तभी इसमें वन आएगा, तो टू रखने पे, यानी वन रख नहीं सकते बिकॉज वन रखेंगे तो वन बाई टू आएगा, वन बाई टू इसमें बी में नहीं है, तो अपने को वही वैल्यू रखनी है जो बी में है। तो टू का रिलेशन वन से है, फोर का रिलेशन टू से है, सिक्स का रिलेशन थ्री से है, ओनली ये थ्री रिलेशन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वाई इजिकल टू एक्स माइनस टू है, तो एक्स एट लेंगे तो एट में से टू गया सिक्स इसमें आ रहा है तो एट का रिलेशन होगा, नाइन में से टू गया सेवन इसमें आ रहा है तो होगा, टेन में से टू गया एट इसमें आ रहा है तो होगा, इलेवन में से टू गया नाइन इसमें नहीं आ रहा तो इसलिए टेन का रिलेशन है ना, इलेवन का रिलेशन नहीं होगा। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है ठीक है। तो ये आपके 2.1 थी, थैंक यू।